नमस्कार सत श्रीकाल डी एस सैनी डायरेक्टर क्राउन इमिग्रेशन एंड क्राउन पुर्तगाल। जैसे आपको पता कि क्राउन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है और बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन एकत्र करने की कोशिश करती है। पुर्तगाल के अंदर में जो D7 या D8 वीज़ा की बहुत लंबे समय से पुर्तगीज कौंसुलेट अब्रॉड में अपॉइंटमेंट की वेट कर रहे हैं या उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो मैं आपको हाईलाइट कर देना चाहूँगा कि जब आप D7 या D8 वीज़ा पुर्तगीज कौंसुलेट अब्रॉड स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया या अमेरिका, इन तमाम कंट्री में D7 या D8 वीज़ा की जब अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, जिसका वेटिंग टाइम है लगभग 6 मंथ, 7 मंथ तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। और जब आप हेयर एंड देयर करके अपॉइंटमेंट ले भी लेते हो या अपॉइंटमेंट आपको मिल भी जाती है BSF सेंटर या पोर्चुगीज कॉन्सुलेट अब्रॉड में, तो आपका वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम वहाँ पे कॉन्सुलेट बहुत ज़्यादा होल्ड करता है, बहुत ज़्यादा लगता है, यानी कि मोर ओवर आपका 1 से 1.5 साल का समय आपका अपनी खुद की कंट्री में ही वेस्ट हो जाता है। तो उन तमाम लोगों के लिए जो इस प्रोसेस को स्पीडअप करना चाहते हैं और पुर्तगाली रेजिडेंसी कार्ड इमीडिएटली अवेल करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी टीम की ओर से एक बेहतरीन रिसर्च की गई है और उस रिसर्च के प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंटेशन करके देख चुके हैं और वो जो कि हमें सक्सेस मिली है। तो उन तमाम लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्डली, चाहे वो किसी भी वीज़ा पे हो, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, शॉर्ट ड्यूरेशन वीज़ा, शेंगेन का वीज़ा, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, किसी भी कंट्री का वीज़ा ले वो पुर्तगाल में आएँ। पुर्तगाल में आने के बाद हम आईमा के साथ में उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डली अपॉइंटमेंट बनाएंगे। उस अपॉइंटमेंट के थ्रू वो इमीडिएटली फर्स्ट 1 ईयर का रेजिडेंसी कार्ड हासिल करेंगे। उस रेजिडेंसी कार्ड को आप D8 कैटेगरी यानी कि डिजिटल नोमैड रेजिडेंसी कार्ड आर्टिकल 77 या फिर रिटायरमेंट D7 आर्टिकल 77 के बीच कन्वर्ट कर सकते हो। इवन आप एंटरप्रेन्योरशिप आर्टिकल 89 या 90 या तमाम इस तरह के आर्टिकल के अंदर में उस प्रोविजन ऑफ रेजिडेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ तक ही नहीं बल्कि आप जो हम आपको रेजिडेंसी की बात कर रहे हैं उस रेजिडेंसी के तहत अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स को भी बुला सकते हो और उस रेजिडेंसी का टाइम फ्रेम अपनी नेशनलिटी के लिए भी काउंट कर सकते हो, यानी कि 1-1.5 साल वेस्ट करने की बजाय आप वही वाला प्रोसेस आपका 3 से 4 महीने में कंप्लीट होता है। आई थिंक हमारी टीम की ओर से एक बेहतरीन रिसर्च की गई है, उस रिसर्च का वो तमाम लोग बेनिफिट ले सकते हैं जो पिछले लंबे समय से ये वेट कर रहे हैं कि हमें किसी भी कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट मिल जाए या उन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली हुई और उनका केस सबमिट होने के बाद स्टक हो चुका है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली हम उनको इनवाइट करते हैं यहाँ पे आए ताकि आपका रेजिडेंसी का प्रोसेस एम्बेसी को बाईपास करते हुए स्ट्रेट फॉरवर्डली आईमा के साथ में ट्रीट किया जाए, डील किया जाए, जिसमें आपको एक प्रोविजन के तहत रेजिडेंसी मिल जाए और उस रेजिडेंसी को आप किसी भी कैटेगरी में कन्वर्ट करें फैमिली मेम्बर्स को या फिर नेशनलिटी के लिए टाइम फ्रेम करें। ऐसी तमाम रिसर्च हमारी टीम की ओर से लगातार की जा रही है पुर्तगाल इमिग्रेशन प्रोसेस के मतलब या फिर पुर्तगाल बिजनेस या एजुकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट के मतलब। इसी तरह की रिसर्च का एक नया वीडियो लेके हमारी टीम आप तक फिर भी हाजिर होगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।